और उसके बाद तो वैसे भी छुट्टियां हो जानी है, तो क्या ऐसे होते जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, यार कैसे हो सभी लोग, आई होप कि सभी लोगों को एकदम बढ़िया। मैं भी यहाँ पर एकदम मजे में। बाकी यार आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई है, मतलब छुट्टियाँ तो मेरी एक से शुरू होनी है। आज जो डेट है वो मैं आप लोग को बता दूँ, जो आज 29 डेट है। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू क्यों हुई है, क्योंकि मैंने दी है 2 दिन की लीव, और उसके बाद तो वैसे भी छुट्टियाँ हो जानी है। और वो लीव मैंने क्यों दी है, क्योंकि आप लोग को मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारे स्कूल में चल रहा है टेस्ट पे टेस्ट, और तुम्हारे भाई को वो टेस्ट याद नहीं हो रहे, इसलिए मैंने 2 दिन की लीव दे दी। उसके बाद तो वैसे ही भी फिर छुट्टियाँ हो जानी है, और टेस्ट ही टेस्ट है, बाकी सिलेबस तो पूरा कंप्लीट है, इसलिए भी मैं नहीं जा रहा हूँ। ऊपर से यार एक और चीज़ है कि मतलब दिसंबर भी ख़त्म होने को आ गया, 2 दिन बचे हैं फिर दिसंबर ख़त्म, और अभी तक बर्फ़ तो आप लोग छोड़ो, बारिश की एक बूंद तक नहीं हुई है। अब पता नहीं है क्या सीन है, भगवान ने शायद से सर्दी को स्किप, मतलब बर्फ़ को स्किप कर दिया है। और ये जो अभी थोड़ी थोड़ी से आप लोग ठंड, मतलब मेरे को ठंड फील हो रही है ना, ये भी कुछ मतलब पिछले एक या डेढ़ सप्ताह से ही शुरू हुई है, उससे पहले जो ये ठंड है ये भी नहीं थी, पता नहीं क्यों, पर बिल्कुल ही ठंड वाला मौसम गायब हो गया। जबकि मैं आप लोग को बता दूँ, जो भाप मुँह से निकलती थी ना, अभी वो इस टाइम पर दिखनी चाहिए थी मेरे को, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी यार मेरे बाल वगैरह पर मत जाओ, क्योंकि मैं अभी जाकर सो के उठाऊँ, और इधर अंदर देखोगे तो मैंने मफलर डाला हुआ है, इससे पहले मैं आ गया था बस ये कोट डालकर, लेकिन इसमें मेरे को लग गई थी ठंड बहुत ही भयंकर वाली, तब मैंने ये कोट, मतलब कोट तो डाल कर रखा, ऊपर से मैंने मफलर और डाल दिया कि हवा वगैरह भी अंदर नहीं जाएगी तो सही हो जाएगा। बाकी सुबह सुबह का टाइम है, बाल बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं किया, ऊपर से मैं नहाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, नीचे जाकर मैं बस मुँह धोऊंगा, और क्योंकि सर्दियों के टाइम पर नहाना कौन ही चाहेगा यार, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन भी नहाना पड़ता दिन में। और अब से जो वीडियो कंटिन्यूसली आएगी, क्योंकि मेरे को जो है 1 महीने की छुट्टियाँ हो गई है मस्त वाली। तो गैस दिसंबर का टाइम है, और मौसम एक बार चेक करें आप लोग, पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये वही रोड है गुदकधार वाला, और सामने पे ये देखो कि तुम वहाँ पर धूप लगी है हल्की सी, बाकी सारा का सारा कुछ इस टाइप का है, और ऊपर आसमान देखोगे तो बादल ही बादल, वो भी वाइट कलर के गाइस। और इन वाइट बादलों का मतलब क्या होता है कि मौसम तो ख़राब रहेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन बर्फ़ या बारिश की संभावना नहीं होती है, तो कोई बात नहीं यार, होगी ठीक है, नहीं होगी फिर भी सही है, वैसे तो हो जानी चाहिए थी। अभी तक बर्फ़ जो है 2-3 बार गिर जाती है, शायद चोटधार में तो हो भी गई होगी बर्फ़ अभी तक, क्योंकि वहाँ पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। बर्फ़ मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, बर्फ़ तो दूर की बात है, अभी तक बारिश की एक बूंद तक नहीं आई है, दिन प्रतिदिन ठंडी बढ़ती जा रही है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी सीन पानी नहीं है। अभी यार मैं इससे पिछले दिनों भी कुछ दिन घर में था, और क्यों था, मेरे यहाँ पर जो घर का काम लगा हुआ है गैस, आप लोगों ने कुछ पुरानी वीडियोस में मेरे देखा होगा, तो वहाँ पर जो है पिलर दे रहे थे गैस, पिलर भर रहे थे, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा हेल्प करवा रहा था, तो इसलिए मैं 2-3 दिन नहीं, मतलब 4 दिन तो मैं घर में था, तो वहाँ पर उस दिन भी मैं वीडियो कर रहा था, कोशिश की वीडियो बना पाऊँ, लेकिन यार टाइम ही नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था उस टाइम पर, तो इसलिए मैं बना ही नहीं पाया उस टाइम वीडियो। दिखाऊंगा मैं आपको अगर मैं उस साइड पर गया, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो घर से रूम से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बाकी कोशिश करूँगा अगर मैं निकल पाया तो सही है। बाकी यार धूप लग गई है गाइस, धूप लग गई है पहाड़ों की चोटियों पर, आप लोग देख पा रहे होगे तो ऊपर ऊपर जो है धूप लग गई, ये भी सही है। देखो या तो मौसम ऐसा ख़राब हो कि पूरी बर्फ आ जाए, या तो फिर ख़राब हो ही ना, वो सीन सही है, क्योंकि ऐसा रहेगा तो फिर तो ठंड में मरने वाले काम है, लेकिन अगर धूप लगेगी तो धूप तो सेक लेंगे बाहर जाके कम से कम, बाकी नहीं होगा कुछ तो धूप तो सेक ही सकते हैं हम लोग। अभी मैं गाइस नीचे जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश तो क्या मुँह धो लेता हूँ, बाकी उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। हेलो गाइज, अभी टाइम है शाम का, मैं सुबह जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद मैं वापस घर को आया, मुंह वगैरह धोया, एक घड़ी बैठा, मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया, लाइट की आजकल दिक्कत है गाइज, लाइट चली जा रही है, पता नहीं क्यों, मौसम तो सही होता है, मतलब सही तो क्या ऐसे होते जैसे कि आप देख पा रहे होगे, लेकिन लाइट जाने लग रही है, इसलिए मैंने टाइम से फ़ोन चार्ज में लगा दिया कि कोई भरोसा नहीं है, लाइट कभी भी जा सकती है, और उसके बाद होगी बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली बारिश, जिसके कारण मैं बाहर नहीं आ पाया वीडियो वगैरह बनाने, और ऊपर से जो ठंड है ना वो तो एकदम अल्टीमेट ठंड हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अभी तक कंबल के नीचे था और फ़ोन चला रहा था, अभी देखा मैंने बाहर तो बारिश वगैरह पूरी रुकी हुई है, हल्की हल्की सी धूप आप लोग देख पा रहे होगे तो इस वाली साइड से,
धूप लगी है हल्की हल्की सी, इसका कोई ऐसे फर्क तो है नहीं खास, लेकिन कोई बात नहीं यार, धूप लगी इतना ही बहुत है। बाकी गाइज यहाँ पर तो अभी फिर भी थोड़ी थोड़ी सी धूप लगी है, लेकिन हरिपुर धार वाली साइड पर चेक करो तो पूरा काला काला सा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं लगी है और शायद सुबह से लेकर अभी तक वहाँ पर धूप नहीं लगी। यहाँ देखो तो अभी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप फिर भी है और ऊपर वाली साइड को भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मेरा मन तो बहुत है ऊपर घर जाने का, लेकिन ये चीज़ देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब यहाँ पर इतनी ठंड लग रही है तो वहाँ पर तो ठंड होगी यार, और चूड़धार वाली साइड है तो वहाँ पर चूड़धार की ठंडी ठंडी हवा है, हरिपुर धार की हिमालय पर्वत वाली हवा है, और वैसे वैसे करके बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है चारों तरफ में। तो अभी देखता हूँ, कुछ दिनों में ऊपर जाऊँगा, और वैसे भी छुट्टियाँ हो रही है और आप लोग को मालूम है मैं छुट्टियों के टाइम पर आता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को देखनी होती है बर्फ़। यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर बर्फ़ होती है, लेकिन ऐसे होती है जैसे अब मान लो कि आज बर्फ़ हुई तो कल तक वो बर्फ़ सारी साफ़ हो जाएगी, बहुत कम कम बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वहाँ पर जो ऊपर बर्फ़ है वो रहती है 1.5 से 2 सप्ताह तक भी रहती है, कई बार महीने भर भी रहती है, तो मज़ा आ जाता है मेरा बर्फ़ वगैरह में ना, इसलिए मैं वहाँ पर सर्दियों के टाइम पर मैं वहाँ पर जाता हूँ इसलिए। अभी क्या गाइस, अभी है मेरी जैसी विचारधारा रखने वाले लोग कि हमें जो है सर्दियों के टाइम पर जाना है पहाड़ी की ओर बर्फ़ देखने, लेकिन आज से 20-25 साल पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर क्या होता था कि जैसी सर्दियों की शुरुआत होती थी, शुरुआत भी रहने दो आप लोग, कि थोड़ी से ठंड हो जाती थी सर्दियों वाली ठंड, वैसे सब लोग जो है आ जाते थे नीचे, जैसे अभी यहाँ पर डाउन में थोड़ा सा यहाँ पर बर्फ़ वगैरह तो होती थी, उस टाइम पर भी होती थी, लेकिन जितनी अभी वहाँ पर होती थी ऊपर पहाड़ों पर उतनी यहाँ पर होती थी, वहाँ पर तो रहना इम्पॉसिबल था, इसलिए वहाँ से यहाँ आ जाते थे। लेकिन अब के टाइम पर जो यहाँ से मेरे जैसे लोग जो है वह ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ देखने के लिए, और यही सीन जो है इतना देखो कितना बदलाव आ गया, उस टाइम पर कितनी बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बर्फ़ सिर्फ पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलती है, वो भी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम बर्फ़। मैं बताऊँ तो जब से छोटे से अभी तक मैं खुद से भी बदलाव बता सकता हूँ कि जब मैं छोटा था उस टाइम पर 2.5 से 3 फुट बर्फ़ तो मेरे टाइम पर भी गिरती थी, लेकिन अब वही बर्फ़ 1.5 फुट के आसपास होगी, 1.5 फुट भी मुश्किल से होगी बर्फ़ अगर दिन रात कंटिन्यूसली लगी रहे 2-3 दिन तब जा कर कहीं। और उस टाइम पर होता था ऐसे कि एक दिन भी बर्फ़ लगे ना दिन भर, मतलब सुबह से शाम तक, तो फिर भी भयंकर वाली बर्फ़ हो जाती थी। अब पता नहीं कैसे ये हुआ और क्या इसके पीछे का रीज़न है, मेरे को ऐसा कुछ खास तो लगा नहीं कि ऐसा यहाँ पर कोई प्रदूषण भी मेरे को इतना नहीं लगा है, क्योंकि अगर होगा भी तो इतने पेड़ ये किस काम आएंगे, पीछे देखो हरा भरा पूरा का पूरा पहाड़ है, तो ये पेड़ किस काम आएंगे, पूरा का पूरा प्रदूषण तो इनको कंट्रोल करना चाहिए था। पता नहीं क्या सीन है उसका तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जो भी है यार सही नहीं है। तो गैस काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई, अब से वीडियो कंटिन्यूसली आएगी क्योंकि मेरी होगी छुट्टियाँ शुरू, और यही मेरा काम है, एक YouTube की तरफ फोकस करूँगा, दूसरा एक और चीज़ है वहाँ पर मैं फोकस करूँगा। तो ऐसी थी आज की सारी वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दिए, और जिस जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जल्द से जल्द फॉलो कर। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।